ये है 2-in-1 स्प्रे मशीन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के लिए मैनुअल और जो बैटरी से चलता है वो दोनों तरीका दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कि इसका टैंक है और ये 18 लीटर का टैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी अपने इंस्टॉल किया हुआ है, बस ये बेल्ट इसमें लगाया गया है। तो बेल्ट लगाना बहुत ही आसान है, ये लगाया जाए इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक बैटरी वाला दिया हुआ और ये चार्जर है, ठीक है। तो ये इस यहाँ से जिसे ऑन करते हैं तो ये ऑन होता है, ठीक है। तो ये इसका रेगुलेटर, ये मैनुअल है, इसको हम लोग यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको फिट करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इसका जो है कि यहाँ पर नोजल और इसका कुछ पार्ट सब है, इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं कि ये आपको यहाँ पर लगेगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्पीड कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, इसका स्पीड यहाँ से हम लोग बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। ये ऑन ऑफ हो गया और ये चार्जिंग के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर असेंबल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये पर देख सकते हैं कि पाइप दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर तो बाइस्कोप जो पाइप होती है ये दो टाइप का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर जितना भी इसको बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से टाइट करके यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी सारा यहाँ पर नोजल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नोजल को यहाँ पर फिट कर सकते हैं इसको ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और भी नोजल है इसमें, मल्टीपल जो नोजल होती है वो भी है यहाँ पर, देख सकते हैं दो टाइप का नोजल है इसको एक बार में, है ना। ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारा दिया हुआ है। और यहाँ पर 4 वोल्ट्स जो नोजल है ये भी है, और प्लस वाटर स्प्रे के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह का ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सेटअप करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई ये नहीं है। और इसको हम लोग पहले मैनुअल कर लेते हैं, मैनुअल के लिए बहुत आसान है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इसमें एक जो है कि यहाँ पर पंप रहता है मैनुअल पंप, वो इसमें फिट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आसान है लगाना। ये लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो दिया हुआ डंडा, ये आपको क्या करना होगा, पीछे में लगाना होगा ऐसे करके, ठीक है। ये मैनुअल के लिए है, और प्लस ये जो है यहाँ पर आपको लगा देना है ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। और जैसे इसको हम लोग ऐसे ये करते हैं तो ये ऊपर नीचा होता है, ठीक है। तो ये हो गया मैनुअल के लिए। और इसमें एक ये किल दिया हुआ है इसको फिक्स करने के लिए, ताकि ये निकले और नहीं, इसको यहाँ पर ऐसे करके लगा के इसको यहाँ से मोड़ देना है ऐसे करके, ठीक है। इसको मोड़ देंगे तो ये निकलेगा नहीं और ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और साथ में इसका जो है कि एक ये कवर भी दिया गया है, इसमें लगा देते हैं तो ये आपको आसान रहेगा इसको यूज करने में, ठीक है। ये हो गया। अब मैनुअल जब यूज करेंगे आप तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो कि यहाँ पर बोल्ट दिया हुआ है प्लास्टिक वाला, इसको निकाल लेना ऐसे करके। ये मैनुअल का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पर ऐसे करके ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप मैनुअल यूज़ करेंगे जब बैटरी डाउन हो जाएगी उस कंडीशन में, और यहाँ पर दिया हुआ है ये और ये पाइप, इसको आपको क्या करना है, फिट कर लेना ऐसे करके। सॉरी, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर फिट कर दिया। और ये वाला जो है आपको मैनुअल जब यूज करना है तो इसमें आपको फिट करना होगा ऐसे करके, और जब ये वाला आप यूज करेंगे तो जिसे आपको ये जो था इसको पाइप है इसको यहाँ पर लगा लेना है ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। और इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा या बड़ा करना है, यहाँ से कर सकते हैं अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से। और ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। जैसे इसको आप यहाँ पर ऊपर नीचा करेंगे तो ये काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और साथ में इसके नोजल के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर नोजल दिया हुआ है जो आप यूज करते हैं, बस इसमें वाशर भी दिया हुआ रहता है, देखिए ये जो वाशर है आपको इसमें लगा लेना है और इसको यहाँ पर टाइट कर देना है ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया, ये मैनुअल के लिए। अब आपको बैटरी से यूज़ करना है तो बैटरी के लिए आपको बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या कर लेना है, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और इसको जब यूज नहीं करना है तो इस कंडीशन में ऐसे करके इसको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से खोल देना है,
और इसका जो ढक्कन था ये ढक्कन को यहाँ पर टाइट कर देना आपको। ये मैनुअल का रहा, अब हमें क्या करना है, बाकी तो सब वही सेम है। इसमें एक और बायोस्कोप दिया हुआ है, इसको यूज़ कैसे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी में। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसके लिए, और इसके लिए आपको पीछे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पीछे यहाँ पर, अब इसको हराना नहीं क्योंकि जब आप मैनुअल यूज़ करेंगे तो ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको यहाँ पर आपको टाइट कर देना है। ओके, ये हो गया। ये आपको बैटरी के लिए हुआ, जैसे आप बैटरी स्विच करेंगे तो ये यहाँ से बैटरी स्विच कर सकते हैं। और एक और बायोस्कोप दिया हुआ है, इसके लिए आपको यूज़ करने का बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगी इसको यहाँ पर ऐसे टाइट कर देना है। ये लॉन्ग प्रेस के लिए हुआ है, डायरेक्ट आपको प्रेशर के लिए हुआ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ओपन कर लेना, ये दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल और जो बैटरी दोनों है, दोनों के लिए। देखिए यहाँ पर हो गया, और इसको इस पर लगा लेना, बहुत ही आसान है, कोई इसमें वो नहीं है। देखिए ये हो गया, ऐसे पकड़ के आप डायरेक्ट इसको स्प्रे कर सकते हैं, ये डायरेक्ट के, ठीक है। तो प्लस इसमें और दिया हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, बैटरी डाउन हो जाती है तो उसके लिए आपको ये एडाप्टर है, इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ चार्जिंग के लिए चार्जिंग है, ये वाला ऐसे करके आप चार्ज में लगा सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन हो गया, ये कम और ज़्यादा करने के लिए दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं।